हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे रेडियस। रेडियस ये आपकी अपर लिम की एक बोन है जो आपके फोर आर्म के लेटरल साइड में होती है। ये आपकी टिबिया जो होती है लोअर लिम की, उससे होमोलोगस रहती है। इसमें अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है और यहाँ पे बीच में शेफ्ट होता है। हम इसका साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। अपर एंड में आपका क्या होगा, हेड होगा। देन शार्पेस्ट बॉर्डर आपका मीडियली होगा, मतलब मीडियल बॉर्डर आपका शार्पेस्ट होगा। और पोस्टियर सर्फेस में आपके ग्रूव्स दिखेंगे। ओके, तो आपका ये कहाँ है, आपकी लेफ्ट रेडियस है ये। अपर एंड में आपका क्या होगा, हेड होगा, नेक होगी और ट्यूबर रेडियस ट्यूबरसिटी होगी। हेड क्या होता है, आपका डिस्क शेप्ड होता है आपका, ठीक है। सुपीरियर सर्फेस आपका क्या होगा, कॉनकेव दिखेगा आपको। इसमें कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस जो होती है वो आपकी आर्टिकुलेट होती है और एल्बो जॉइंट बनाती है। इसका आपका इसमें रेडियल नोज दिखेगी, जिसमें क्या होगा, अल्ना आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये आपका सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट बनाएगा। देन आपकी जो नेक है उसमें आपका एनुलर लिगामेंट से ये आपका अटैच रहेगा। नेक जो होगी कंस्ट्रक्टेड पार्ट होगा अपर एंड का, ये आपका हेड के नीचे होगा, ठीक है। फिर आपका रेडियल ट्यूबरसिटी होगी, इसमें जो एलिवेशन होगा, इसमें एक एलिवेशन होता है। इसमें मीडियल सरफेस जो आपका मीडियल साइड होती है नेक में, वहाँ पर होता है ये आपका। पोस्टियर सरफेस आपको रफ दिखेगा क्योंकि इसमें आपका बाइसेप ब्रेकाई मसल्स आपका जो टेंडन होता है वो अटैच रहता है। देन इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो आपका स्मूथ होता है क्योंकि इसमें बर्सा प्रेजेंट रहता है। शेफ्ट में देखिए आपको इसमें थ्री बॉर्डर्स दिखेंगे आपको, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और आपको पोस्टियर बॉर्डर दिखेगा। ओके, ये आपका पोस्टियर बॉर्डर है। सरफेस क्या होगी इसमें, ये आपकी एंटीरियर सरफेस होगी, ये आपकी लेटरल सरफेस होगी। ओके, और पीछे आपकी क्या होगी, पूरी पोस्टियर सरफेस होगी। नेक्स्ट देखिए इसमें एंटीरियर बॉर्डर के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर आपका रेडियल ट्यूबोसिटी से आपका शुरू होता है। ये आपका देखिए रेडियल ट्यूबोसिटी यहाँ से स्टार्ट होगा और आपका स्टेनॉइड पॉसिस से, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ पर आपका स्टेनॉइड पॉसिस, ये आपका स्टेनॉइड पॉसिस है, यहाँ पर आपका आके एंड हो जाएगा। आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें एक एंटीरियर ऑब्लिक लाइन दिख रही है, ये आपकी एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है, ठीक है। देन इसमें देखिए पोस्टियर बॉर्डर आपका पीछे से स्टार्ट होगा, ये भी आपका रेडियस ट्यूबोसिटी से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होता हुआ स्टाइलॉइड प्रोसेस पर एंड हो जाएगा। ये आपका क्या है, पोस्टियर बॉर्डर। जो इसका अपर पार्ट होता है पोस्टियर बॉर्डर का, वो आपका पोस्टियर ऑब्लिक लाइन दिखेगी, ये आपकी पोस्टियर ऑब्लिक लाइन है। तो इसमें देखिए मिडल बॉर्डर, ये मिडल बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर कहेंगे इसे। इसका जो लोअर थ्री फोर्थ पार्ट है, ये आपका लोअर थ्री फोर्थ पार्ट है, इसमें आपकी एक मेम्ब्रेन होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इसी जैसे इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें एंटीरियर सरफेस, हम एंटीरियर सरफेस ये कह रहे थे। तो इसमें आपका क्या होगा, ये आपके एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच का होता है, इसे इंट्रोसियस बॉर्डर भी हम कह सकते हैं। और मीडियल मतलब मीडियल बॉर्डर इंट्रोसियस बॉर्डर के बीच में और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में आपको एंटीरियर सर्फेस दिखेगा। जो अपर पार्ट होता है इसका एंटीरियर सर्फेस का, वो उसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है यहाँ पर, जिसमें आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी प्रेजेंट रहती है। इसमें जो आर्टरी है वो आपकी इंट्रोसियस आर्टरी की ब्रांच है। देन इसमें पोस्टियर सर्फेस, ये आपका पोस्टियर सर्फेस है, इसमें आपका पोस्टियर बॉर्डर और आपका इंट्रोसियस बॉर्डर जो होता है मीडियल बॉर्डर और पोस्टियर बॉर्डर के बीच का, ये आपका सर्फेस है पोस्टियर सर्फेस। देन इसमें लेटरल सर्फेस कहाँ होगी, ये आपका एंटीरियर सर्फेस है, एंटीरियर बॉर्डर है और ये आपका क्या है, पोस्टियर बॉर्डर है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये होता है आपका, ये होता है लेटरल सर्फेस। देन इसमें देखिए आप लोअर एंड देखिए, लोअर एंड में क्या होगा, ये आपका वाइड होता है। इसमें एंटीरियर, इसमें सरफेस कितने होते हैं, पांच, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, इन्फीरियर सरफेस ये होगी और लेटरल सरफेस ये होगी, सुपीरियर नहीं है इसमें। ओके, देन इसमें देखिए एंटीरियर सरफेस कहाँ है, एंटीरियर सरफेस आपकी सामने वाली होती है। इसमें जो लोअर मार्जिन है इसका, उसमें आपको थिक रिज देखेंगे और रेडियल आर्टरी यहाँ पर आपको दिखेगी, पैल्पेट होती है इस एरिया में। देन पोस्टीरियर सरफेस में आपको चार पाँच ग्रूव दिखेंगे। इसमें एक ट्यूबरकल होता है यहाँ पर, जिसे हम डॉर्सल ट्यूबरकल कहते हैं। देन इसमें आपको लेटरल सरफेस, आपको लेटरल सरफेस ये है, तो लेटरल सरफेस में आपको क्या दिखेगा, डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन और स्टेनॉइड पॉसिस, ये आपका लेटरल सरफेस में होगा। देन मीडियल सरफेस में आपको एक नॉच दिखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्नर नॉच, यहाँ पे अल्ना आपकी आर्टिकुलेट होती है और आपका इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है। देन इन्फीरियर सरफेस, आपका इन्फीरियर सरफेस ये होता है, यहाँ पे आपको देखो ट्रायंगुलर और आपको क्वाड्रेंगुलर, ये क्वाड्रेंगुलर है या सॉरी ये क्वाड्रेंगुलर या ट्रायंगुलर आपका इसमें सरफेस दिखेगा, ठीक है।
ट्रायंगुलर में क्या होगा, ट्रायंगुलर में स्केफॉइड और क्वाड्रेंगुलर में आपके ल्यूनेट जो रिस्ट जॉइंट है वो आर्टिकुलेट होते हैं यहाँ पर। अब हम इसके अटैचमेंट पढ़ते हैं। इसमें जो कि बाइसेप ब्रेकाई आपकी कहाँ होगी, रेडियस की रेडियल ट्यूबरसिटी में आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर पोस्टीरियर सर्फेस में यहाँ पर आपको बाइसेप ब्रेकाई दिखती है। नेक्स्ट देखिए इसमें लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस कहाँ होगा, दिस इज द लेटरल सरफेस, जो आपका एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच का जो सरफेस है वो आपका होगा लेटरल सरफेस, ठीक है। इसमें अपर पार्ट, ये आपका सॉरी यहाँ से अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट की हम इसमें इंसर्शन बताएंगे। अपर पार्ट में आपको सुपीनेटर दिखेगी, मिडल में आपको प्रोनेटर टेरेस और आपको लोअर पार्ट में आपको ब्रेकियो रेडियलिस दिखेगी। देन प्रोनेटर क्वाड्रेटस आपको रेडियस के एंटीरियर सरफेस में, दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर और ये आपका मिडल बॉर्डर, ये एंटीरियर सरफेस है आपका। यहाँ पे एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट पर, ये आपका लोअर पार्ट है, यहाँ पर आपको आपको क्या देखेंगे, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब हम देखेंगे इसमें ओरिजिन किस का हो रहा है, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये आपकी ओरिजिन होती है, कहाँ पर होती है, ये एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ पर एंटीरियर ऑब्लिक लाइन होती है, एक ये एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है, यहाँ पर आपको दिखेगी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ओके। देन फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, ये कहाँ पे दिखेगी आपको, एंटीरियर सरफेस जो होता है, एंटीरियर सरफेस कौन सा होगा, ये आपका एंटीरियर सरफेस है जो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच का है, एंटीरियर सरफेस के अपर हाफ पार्ट में, दिस इज़ द अपर हाफ पार्ट, यहाँ पर आपको फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस मिलेगी, ओरिजिन होगा। देन एबडक्टर पोलिसिस और लॉन्गस आपको रेडियस के पोस्टीरियर सरफेस में आपको अपर हाफ पार्ट में दिखेगी, दिस इज़ द अपर हाफ पार्ट, और मीडियल साइड आपको क्या मिलेगी, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस मिलेगी और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस मिलेगी, ओके। तो ये थे हमारे कुछ मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन। इसमें कुछ लिगामेंट्स होते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट का कैप्सुलर लिगामेंट होता है, रिस्ट जॉइंट का इसमें कैप्सुलर लिगामेंट होता है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन होती है, आर्टिकुलर डिस्क होती है, ऑब्लिक कॉर्ड होती है और क्वाड्रेट लिगामेंट होता है। इसमें ऑसिफिकेशन सेंटर आपका प्राइमरी होता है एक, और दो सेकेंडरी होते हैं, एक आपका अपर एंड में होता है और एक आपका लोअर एंड में होता है। इसके क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है कि आपका फ्रैक्चर हो सकता है रेडियस का, इसमें कॉलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर आपका हो सकता है। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।